ऑलराइट, हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता था कि एक डिटेल्ड पोर्ट्रेट स्टेंसिल कैसे बनाते हैं। सो सबसे पहले एक स्टेंसिल का क्या रोल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर बनाते हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है, तो उससे पहले बंदा आर्किटेक्ट के पास जाता है और आर्किटेक्ट उनको एक ब्लू प्रिंट बना के देता है, जो कि एक नक्शा होता है, जो कि एक लेआउट होता है जिसके मॉडल के ऊपर आप उस घर को बनाओगे। सो सिमिलरली, एक अच्छा टैटू बनाने के लिए आपको एक अच्छे स्टेंसिल की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्टेंसिल एक ब्लू प्रिंट होता है। वो बेसिकली एक लेआउट होता है जिसके अंदर आप लाइन्स को और डॉटेड एरियाज से मार्क करते हो, हाईलाइट्स को या फिर शेडोज को या फिर वैल्यूज़ को, ताकि आप वो समझ पाओ जब आप एक्चुअली टैटू बना रहे हो। सो जो रियलिज्म की बात करते हैं और हाइपर रियलिज्म की या फिर पोर्ट्रेट की बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज़ अगर आपका लेआउट 1 mm भी अलग है या फिर उसमें थोड़ा सा भी चेंज है, तो फिर आपका जो एंड रिजल्ट होगा, जो कि पोर्ट्रेट है या फिर कोई भी रियलिस्टिक टैटू है, उसमें भी वो चेंज रिफ्लेक्ट करेगा। सो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है जब हम एक पोर्ट्रेट टैटू का स्टेंसिल बनाते हैं। सो पोर्ट्रेट टैटू का स्टेंसिल आप बेसिकली 3 तरीके से बना सकते हो। उनमें से एक होता है आपका फोटोकॉपी फिल्टर मेथड, जो कि आप फोटोशॉप पे जाके फोटोकॉपी फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हो फिल्टर गैलरी के अंदर। जो दूसरा मेथड होता है वो होता है हैंड ड्रॉन स्टेंसिल, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है। आप उसका एक प्रिंटआउट निकालते हो, जो भी आपको पोर्ट्रेट बनाना है उसका आप एक प्रिंटआउट निकालते हो, और उसके बाद आप उसको पेंसिल से या पेन से थर्मल पेपर के साथ उसके ऊपर रख के आप उसका स्टेंसिल बनाते हो। और तीसरा और नया, सबसे नया मेथड है आईपैड से। सो आईपैड से आप एप्पल पेंसिल या फिर कोई भी स्टाइलस लेके किसी भी डिजिटल ड्राइंग टैबलेट के ऊपर उस इमेज की लेयर को रख के एक और उसके ऊपर लेयर रखते हो, जो कि प्लेन होती है, और फिर ब्रश टूल का यूज़ करके आप पूरा लेआउट बनाते हो। प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। सो आईपैड से जो आप स्टेंसिल बनाते हो, उसका एक प्रो होता है कि आप उसमें ओवर डिटेल्स ले सकते हो। आप जूम करके छोटी छोटी डिटेल्स को ले सकते हो अपने पोर्ट्रेट के स्टेंसिल के अंदर। हैंड ड्रॉन का अपना एक अलग बेनिफिट होता है कि आप इमेज रीड कर पाते हो। जब आप एक प्रिंटआउट को निकालते हो तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। साथ के साथ आप स्टेंसिल बना रहे हो और साथ के साथ आपके जो मेमोरी है उसके अंदर आप डाल रहे हो कि कहाँ पे कौन सी शेडो है, कहाँ पे कैसे आप हाईलाइट करोगे और किस तरीके से आप लाइनिंग करोगे। पोर्ट्रेट टैटू में लाइनिंग बहुत ज़्यादा मिनिमम होती है, लेकिन फिर भी आपको पोर्ट्रेट टैटू के अंदर जब स्टेंसिल बनाते हैं उसमें लाइंस को लेना पड़ता है, अपने आप को ये बताने के लिए कि यहाँ पर मुझे क्या करना है। आप डॉटेड लाइन का यूज़ करते हो अपने आप को ये समझाने के लिए कि यहाँ पर ये शेडेड एरिया है। सो इन टुडेज वीडियो आई वॉन्टेड टू गो ऑन अ डिटेल्ड जर्नी विद यू। हम लोग एक पोर्ट्रेट टैटू का स्टेंसिल बनाएंगे हैंड ड्रॉन टेक्निक के थ्रू, एंड वी विल सी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि मैं लेता हूँ जब मेरे को एक पोर्ट्रेट टैटू का स्टेंसिल बनाना होता है हाथ से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, एंड इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब्ड, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट गाइस, टू स्टार्ट अ पोर्ट्रेट टैटू आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है एक रेफरेंस इमेज की। सो आज की वीडियो के पर्पस के लिए आई हैव दिस पिक्चर ऑफ लियोनार्डो डी कैप्रियो फ्रॉम द मूवी टाइटैनिक। सो ये टाइटैनिक मूवी का एक स्टिल है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे स्टेंसिल बनाने के लिए। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा था बिकॉज इसके अंदर शेडोज अच्छे हैं और ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू डू अ पोर्ट्रेट टैटू, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी इमेज की जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। सो ऐसा नहीं कुछ पर्टिकुलर कि आपको इतने MB की फ़ोटो होनी चाहिए या फिर कोई ऐसे पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है। बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी रेजोल्यूशन इतनी होनी चाहिए कि आप अगर उसका प्रिंट आउट निकालो तो वो बिल्कुल भी ब्लर नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जो फोटोग्राफ लेके आते हैं, अगर वो सेल्फी मोड में है कि लोगों ने थोड़ा ऐसे ऊपर करके फोटोग्राफ ली हुई है, तो भी वो फोटोग्राफ पोर्ट्रेट टैटू के लिए अच्छी नहीं होती है। और सेकेंडली, अगर उसमें हेड कट रहा है या फिर किसी भी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट फेस के आगे आ रहा है, तो भी वो इमेज अच्छी नहीं होती है। सेकेंडली, जब आप फोटोग्राफ्स देखेंगे जो लोग शादियों में खिंचवाते हैं, मैरिजेस में या किसी फंक्शन में, तो उसमें बहुत हार्ड लाइटिंग आ रही होती है, जैसे ब्लू लाइट या रेड लाइट डिस्को के आसपास की, वो भी फोटोग्राफ पोर्ट्रेट टैटू के लिए अच्छी नहीं होती है। बिकॉज वो ऑल्टर कर देती है हमारे फेस के फीचर्स को। ब्लू लाइट अगर बहुत ज़्यादा हार्श होगी या रेड लाइट बहुत ज़्यादा हार्श होगी, तो वो हमारे जो डिज़ाइन है उसको थोड़ी इविलिश या डेविलिश लुक देगी। सो इसी वजह से मैं बोलूँगा कि आपके पास एटलीस्ट 5 से 10 ऑप्शंस होनी चाहिए। क्लाइंट आपको 5 से 10 ऑप्शन दे उस पोर्ट्रेट की जो वो बनवाना चाहते हैं। प्लस प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अगर आप एक फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो वो कुछ एरियाज पे अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप बात करो साइड प्रोफाइल की, जो कि अभी मेरी प्रोफाइल है, वो कुछ एरियाज पे अच्छी लगेगी, बट मेरे को पर्सनली एक हल्की सी 3/4 वाली प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसी इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो। सो इस इमेज को मैंने थोड़ा बहुत एडिट भी किया है फोटोशॉप के अंदर और लाइट रूम के अंदर, और एडिटिंग जो होती है वो हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे मैं प्लेसमेंट रखता हूँ, कैसे मैं एडिटिंग करता हूँ। बस इस वीडियो के पर्पस के लिए हम लोग स्टेंसिल के ऊपर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।
सो इमेज रेफरेंस के बाद हमारी बात आती है कि हमें किस सरफेस पे रख के उसको बनाना है। सो ये जैसे सॉफ्ट सरफेस है, ऐसा सॉफ्ट सरफेस नहीं होना चाहिए। कई लोग कार्डबोर्ड का यूज़ करते हैं जो कि हैवी गत्ते का होता है, वो भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। सो बेसिकली आपका जो मटेरियल है जिसके ऊपर रख के आप बनाएंगे, इट शुड बी रियली वेरी सॉलिड। सो इसी पर्पज़ के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक ग्लास ले लीजिए। ये थोड़ा थिक है ग्लास, आप देख सकते हो। सो आप एक ग्लास ले सकते हो और उस ग्लास के ऊपर कर सकते हो, बिकॉज ग्लास बहुत ज़्यादा अच्छा हार्ड सरफेस होता है, बिल्कुल भी उसमें ग्रेन नहीं होते हैं। कभी कभार अगर आप एक कार्डबोर्ड का यूज़ कर रहे हो या फिर कोई वुडन टेबल का यूज़ कर रहे हो, सो जस्ट मेक श्योर कि उसके ऊपर जो ग्रेन्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ग्रेन्स की वजह से भी आपका स्टेंसिल ख़राब हो जाएगा। देन कम्स द पॉइंट ऑफ थर्मल पेपर। सो मैं हमेशा स्पिरिट का थर्मल पेपर यूज़ करता हूँ, क्योंकि आई रियली लाइक दिस कंपनी, इट इज़ अ प्रीमियम प्रोडक्ट मेड बाय स्पिरिट। नहीं तो आप हेक्टो पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। हेक्टो पेपर और इसमें थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज़ और थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, और दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो नेवरदलेस आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। सो थर्मल पेपर की जो बीच वाली शीट होती है उसको मैं डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ, एंड आई जस्ट डायरेक्टली मेक द स्टेंसिल ऑन दिस पोर्ट्रेट टैटू स्टेंसिल। अगर आप इस पेपर पे बनाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, बहुत शार्प आएगा। बट इसकी एक ही प्रॉब्लम होती है कि आप इसको रीयूज़ नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपने स्टेंसिल लगाया इस पतले वाले पेपर का यूज़ करके, तो अगर मान लीजिए वो गीला हो गया स्टेंसिल, कभी कभार होता है ह्यूमिडिटी की वजह से या फिर ओवर ल्यूब्रिकेंट लगाना या फिर लॉक्स लगाना या स्टेंसिल स्टफ लगाने की वजह से अगर वो ओवर गीला हो गया तो फिर आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से ये पेपर अच्छा होता है। अगर आप एक फ्लैट एरिया पर लगा रहे हो तो नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर इज़ रियली वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट। और इसके अलावा आपके पास कुछ और मटेरियल्स होने चाहिए, जैसे कि मैं पेंस रेकमेंड करता हूँ। 0.5 mm एक अच्छी थिकनेस होती है। 0.5 mm की अगर आप टिप लेते हो तो उससे बहुत अच्छा स्टेंसिल आता है। आप जेल पेन, बॉल पेन किसी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो 0.7 mm नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत बोल्ड लाइंस क्रिएट करेगा और आपके जो आई लैशेज हो गए या फिर आई बॉल हो गया, प्यूपिल हो गया, लिप्स का एरिया हो गया, यहाँ पे फिर आप देखोगे स्मज हो जाएंगी सारी की सारी लाइंस। सो इसलिए आपका पेन भी बहुत शार्प होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के चलते आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। आप 4H या 2H की पेंसिल को अच्छे से शार्प करके भी यूज़ कर सकते हो। सो इट इज़ योर डिस्पोजल, आप हर तरीके से स्टेंसिल बना के देखो और उसको लगा के देखो कि किस में आपका सबसे ज़्यादा शार्प स्टेंसिल आ रहा है। सो इस वीडियो के पर्पज़ के लिए लेट्स यूज़ अ नॉर्मल पेन। किसी भी इमेज के अंदर आपको अगर स्टेंसिल बनाना है तो उसके अंदर आपको मार्किंग्स करनी पड़ती हैं, लाइंस की, शेडेड एरिया की और हाइलाइट्स की। इन सब चीज़ों को अगर आप मार्क करोगे तो आपका अच्छा लेआउट बनेगा, आपका अच्छा स्टेंसिल बनेगा जो कि रीडेबल अच्छा होगा, आप उसको ईजिली रीड कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइंस फर्स्ट। आपको वो सारा एरिया मार्क करना है जो कि आपको टैटू के अंदर देना है। जितना भी शेडेड एरिया है, जितना भी लाइनिंग वाला एरिया है, सब एरियाज को आपको मार्क करना है। आप डॉटेड लाइन का या स्लैश लाइन का यूज कर सकते हो अगर आपको कहीं पे शेडेड एरिया मार्क करना है तो। जस्ट मेक श्योर कि जो स्पेशली जो आपका आईज़, नोज़ और लिप्स वाला एरिया है या फिर फेस का जो कंटूर है उसके अंदर आप बिल्कुल भी 1 mm की भी गलती ना करें, वरना वो फेशियल फीचर्स को सबको चेंज कर देगा। आपका स्टेंसिल इतना ही कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए जितना आप उसको रीड कर पाओ। अगर आप ओवर कॉम्प्लिकेटेड स्टेंसिल बनाओगे तो फिर उसको रीड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट द स्टेंसिल इज सिंप्लीफाइड, येट उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी होनी चाहिए। तो ये जो बीच की लाइंस आप देख रहे हो, इनको बनाने के लिए मैं मैग्नम का यूज़ करूँगा और मैग्नम को साइडवेज रख के मैं सिर्फ नीचे लेके जाऊँगा पैरेलल, तो ये लाइंस अपने आप आ जाएंगी। सो ये आपके ऊपर है, आपको इन लाइंस को मार्क करना है या नहीं करना है, बट जहाँ पे भी शेडिंग है आप उस एरिया को मार्क कर सकते हो। अगेन नेक के नीचे जो एरिया है उसको मैं मार्क कर रहा हूँ डॉटेड लाइन से, ताकि मेरे को पता रहे कि कहाँ पे मेरे को शेड करना है।
और पहले मैं क्या करता था, पहले मैं ये जो जॉ लाइन होती है उसको लाइन से बनाता था, बट रिसेंटली मैंने उसको डॉटेड लाइन से बनाना स्टार्ट किया है ताकि मैं कोई भी हार्ड एजेस ना दूं, मेरे को पता रहे कहाँ पे मेरा शेड आएगा मैग्नम से। सो फ्लो ऑफ द हेयर देने के लिए मैं बस फ्लो के साथ साथ लाइंस को ड्रॉ करूंगा। उससे पहले हम फेस को फिनिश कर देते हैं। ये जो स्माइल करते हुए जो एंगल आता है चीक के ऊपर, उसको भी मैं लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी लिप्स होते हैं उसके अंदर कोई भी लोअर लिप में लाइन नहीं होती है, तो आप उसको डॉटेड से या फिर लाइन से कैसे भी मार्क कर सकते हो, लेकिन बनाते टाइम आपको लाइन नहीं बनानी है वहाँ पे। सेम गोज फॉर द अपर लिप। अपर लिप का जो टॉप एरिया होता है उसमें भी कोई लाइन नहीं होती है। अगेन जैसे मैंने आपको बोला था, कंटूर या फिर आप आउटर बनाते वक्त बहुत ध्यान रखेंगे कि आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, जो एक्चुअल फेस है बस उसी को ही कॉपी करना है। अगेन आईज़ के रिंकल्स के लिए भी मैं लाइंस का यूज़ करूँगा, हालांकि इसमें लाइन आएगी नहीं, हम मैग्नम से करेंगे इस चीज़ को। और आईज़ का जो अपर लिड होता है सिर्फ उस पर लाइन होती है, लोअर लिड पे आप डॉटेड मार्क कर सकते हो बिकॉज आपको उस उधर लाइन नहीं बनानी है। ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका जो हेयर्स आ रहे हैं ये उसकी शैडो है एक तरीके से। स्टेंसिल अगर आपको अच्छा बनाना है तो आप रैंडमली भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं है तो। आप किसी भी फैमिली मेंबर का पोर्ट्रेट का पिक्चर को स्कैन करके या फिर ईमेल करके अपने आप को उसका एडिट करके उसको प्रिंट आउट निकाल के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे स्टेंसिल बनेगा, फिर किसी के लगा के भी देख सकते हो कि स्टेंसिल अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। हेयर्स के लिए अगेन मैं क्लस्टर ऑफ हेयर्स को ले रहा हूँ और बस मैं फ्लो को फॉलो कर रहा हूँ। इसको हम लाइनर से भी कर सकते हैं और मैग्नम से भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का रियलिज्म करना चाहते हो। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम फ्लो ऑफ द हेयर को फॉलो करें, क्योंकि अगर फ्लो अच्छा रखेंगे तो फिर हेयर स्टाइल भी ऑलमोस्ट सेम आएगा। यहाँ पे एक छोटी सी शैडो है जो कि इस हेयर की आ रही है, हम उसको भी डॉटेड लाइन से बना लेंगे।
और आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा डिटेल्स रिक्वायर्ड है पोर्ट्रेट के अंदर. सो हम इसको फ्लिप करके देखते हैं कि स्टेंसिल कैसा आया है. एंड हियर इज़ द स्टेंसिल. सो आई पर्सनली फील कि स्टेंसिल काफ़ी सही आया, कोई भी इशू नहीं है उसके अंदर. एंड आप देख सकते हैं कैसे हमने फ्लो ऑफ द हेयर्स को लिया है और किस तरीके से हमने सारे आउटलाइंस ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को मार्क किया है एंड जॉ लाइन. सो आई फील कि जब हम इसका स्टेंसिल लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से आएगा. ऑलराइट गाइस, आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं पोर्ट्रेट टैटू के स्टेंसिल से रिलेटेड आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइस.